फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश का टॉपिक लेंगे और इंग्लिश का टॉपिक है नेचुरल सीरीज ऑफ इंग्लिश लर्निंग। हम बहुत ही बेसिक टॉपिक लेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम सीरीज पढ़ेंगे कि इंग्लिश पढ़ने के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज को जानने के लिए हमें क्या सीरीज़ को फॉलो करना होता है। तो सबसे पहले जो है वो है लिसनिंग। सबसे पहले सुनना जो होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए लिसनिंग सबसे पहले करनी चाहिए, फिर आती है हमारी स्पीकिंग, बोलना। जब हम सुन अच्छा पाएंगे तो ही हम अच्छा बोल पाएंगे। देन अगर रीड अच्छा कर पाएंगे तो हम राइटिंग भी अच्छी कर पाएंगे। तो ये हमारी एक नेचुरल सीरीज़ है जो कि बच्चे को भी फॉलो करनी चाहिए और इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ने के लिए फॉलो करनी चाहिए। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि लिसनिंग और रीडिंग, ये दोनों ही हमारी रिसेप्टिव स्किल होती हैं, यानी ग्रहणशील प्रक्रिया कौशल होता है। रिसेप्टिव का मतलब होता है कि लिसनिंग और रीडिंग में हम हमेशा चीज़ों को ग्रहण करते हैं, अपने अंदर लेते हैं, ठीक है। और स्पीकिंग एंड राइटिंग, दीज बोथ स्किल्स आर प्रोडक्टिव स्किल। प्रोडक्टिव मीन्स हम अपने अंदर की थिंकिंग, इंफॉर्मेशन, इन सब को बाहर ला रहे हैं और इसीलिए हम प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने खुद से। तो स्पीकिंग एंड राइटिंग इज कॉल्ड प्रोडक्टिव स्किल एंड लिसनिंग एंड रीडिंग आर कॉल्ड पैसिव स्किल्स एंड स्पीकिंग एंड राइटिंग आर कॉल्ड एक्टिव स्किल्स। क्वेश्चन आ सकता है इसमें से, आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है कि एक्टिव स्किल्स बताइए कौन सी हैं इन चारों में से, या ऑप्शंस दे देते हैं आपको, तो ये क्वेश्चंस तो ज़रूर आ ही जाते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे लिसनिंग और जो रीडिंग है ये किस तरीके से होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। तो बोध सहित होनी चाहिए, यानी कॉम्प्रिहेंसिव, बोध सहित, इसका क्वेश्चन भी आया है कई बार। स्पीकिंग और राइटिंग कैसी होनी चाहिए, इफ़ेक्टिव यानी प्रभावशाली, इस तरीके से होनी चाहिए कि दूसरों पर वो अच्छा प्रभाव डाले। बोध सहित मतलब बिल्कुल समझ के साथ, अगर हम लिसनिंग और रीडिंग बिल्कुल समझ के करेंगे तो ही हम स्पीकिंग और राइटिंग प्रभावशाली कर सकते हैं, इफ़ेक्टिव कर सकते हैं अपने। अब हम बात करेंगे ग्रामर के बारे में। ग्रामर दो तरह की होती है, फंक्शनल एंड फॉर्मल। फंक्शनल ग्रामर डिस्क्रिप्टिव ग्रामर कहलाई जाती है और फॉर्मल होती है प्रिस्क्रिप्टिव। अब क्या होता है डिस्क्रिप्टिव ग्रामर? डिस्क्रिप्टिव ग्रामर हमारी बुकिश नॉलेज होती है, जो भी रूल्स और सिस्टम बनाए जाते हैं सेंटेंसेस फॉर्म करने के लिए। प्रिस्क्रिप्टिव होती है ट्रेडिशनल, जो हम पहले से ही फॉलो करते आ रहे हैं अपने बड़ों को या फिर अपनी सोसाइटी से, ठीक है। तो ये होती है हमारी टाइप्स ऑफ ग्रामर। अब इसमें हम कुछ इंग्लिश के सेंटेंसेस यहाँ पे देखेंगे, कुछ टर्म्स हैं, तो ये टर्म्स हम देखेंगे, ये टर्म्स क्या रेफर करते हैं। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार, ठीक है, तो यहाँ से तो ज़रूर पक्का ही पक्का सीटेट में क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहला है इटिमोलॉजी, स्टडी ऑफ वर्ड्स ओरिजिन यानी शब्द निर्माण की पढ़ाई। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स, वोकैबुलरी एंड साउंड, मतलब हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, कैसे बनावट है, वोकैबुलरी और साउंड, आवाज़, उच्चारण, ठीक है। फोनोलॉजी का मतलब होता है उच्चारण का, उच्चारण की पढ़ाई, स्टडी ऑफ साउंड। सिंटेक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ वर्ड्स अरेंजमेंट, यानी शब्दों का कैसे हम अरेंजमेंट करें, मीनिंगफुल अरेंजमेंट होता है हमारा सिंटेक्स। फिर है सीमेंटिक्स, सीमेंटिक्स का मतलब होता है सबटल मीनिंग ऑफ एनीथिंग, यानी सबटल का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट मीनिंग ऑफ एनीथिंग, ठीक है। और प्रोसोडी का मतलब होता है स्टडी ऑफ नॉन वर्बल थिंग्स। देखो नॉन वर्बल थिंग्स में आ जाता है हमारा स्वर का उतार चढ़ाव, पॉजेस, स्पीड, रिदम, ठीक है, तो ये प्रोसोडी कहलाए जाते हैं। इसमें से ज़रूर फ्रेंड्स क्वेश्चन आते ही आते हैं सीटेट में, तो प्लीज़ इस बेसिक टॉपिक को ज़रूर पढ़ेगा। थैंक यू, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।